हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव। और इससे पहले वाले वीडियोस में अपन ने देखा था इनिट कंटेनर के बारे में, ठीक है। अब अपन इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, ये एक पॉड क्रिएट करने वाले हैं। एंड इस पॉड को अपन एक्सेस कैसे करेंगे, राइट। एक्सेस कैसे करेंगे मीन्स सपोज इसके अंदर एंजिनिक सर्विस भी चल रही है तो अपन उसको एक्सेस कैसे करेंगे, पॉड जो है इसके वो एक्सपोज कैसे करेंगे, राइट। तो वो अपन कैसे करेंगे वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है क्यूबरनेटिस में अपन सर्विसेज यूज़ करने वाले हैं। सर्विसेज भी अलग अलग टाइप्स की होती है। अपन जो है दो टाइप की सर्विसेज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्लस्टर आईपी एंड सेकेंड वन इज़ द नोड पोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों, क्लस्टर आईपी सर्विस क्या होती है। क्लस्टर आईपी सर्विस के अंदर आप उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो विथ इन द क्लस्टर। आप क्लस्टर के अंदर उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अपन पोर्ट क्रिएट करते हैं, क्यूब सी टी एल। ठीक है, अपना पोर्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करने का है, इस पोर्ट जो है ना, इसके पोर्ट जो है वो एक्सपोज करना है। मुझे पता है कि ये जो पोर्ट है इसके अंदर पोर्ट 80 पे एंजिनिक्स रनिंग है, बट मैं उसको एक्सेस कैसे करूँगा, राइट। तो मैं पोर्ट एक्सपोज करता हूँ, क्यूब सी टी एल एक्सपोज कमांड, उसके बाद में पोर्ट, पोर्ट का नेम, राइट, जो पोर्ट का, ओके, क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स, थर्ड पॉड है क्यूब सी टी एल एक्सपोज पॉड, थर्ड पॉड, ठीक है। उसके बाद में पॉर्ट, यहाँ पे आपको पोर्ट लिखना है कि इस क्लस्टर के अंदर किस पोर्ट पे लिसन करने का है। तो इस क्लस्टर के अंदर अपन पोर्ट 8000 पे लिसन कर रहे हैं, ठीक है। टारगेट पोर्ट कि भाई इस क्लस्टर के अंदर इस पोर्ट 8000 पे जो रिक्वेस्ट आएगी ना वो किस पोर्ट पे रिडायरेक्ट होगी, राइट, पोर्ट के। तो वो जो रिडायरेक्ट होगी वो रिडायरेक्ट होगी पोर्ट के, पोर्ट 80 पे। तो अब होगा क्या कि इस क्लस्टर में पोर्ट 8000 पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो इस पोर्ट के पोर्ट 80 पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड हाइफन हाइफन नेम, अपन अपने नेम दे देते हैं सर्विस का, राइट। मैं यहाँ पे सर्विस का नेम दे दिया माय फर्स्ट सर्विस, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट हो गई है और जो पोर्ट है वो एक्सपोज हो गया, पोर्ट 8000, ठीक है। चलो देखते हैं, क्यूब सी टी एल गेट सर्विसेज, राइट, सर्विस सर्विसेज एंड एस वी सी, आप ये तीनों यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले ही बता रखा है, राइट। अब क्या बता रखा है कि इस क्लस्टर के अंदर, अपना क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर कितने नोड है, एक मास्टर या एक मैनेजर एंड दो वर्कर हैं, करेक्ट, तीन है। उन तीनों में किसी भी नोड पे जाके आप यदि ये चलाओगे, राइट, कर ये आईपी एंड पोर्ट नंबर कितना है 8000 पे लिसन कर रहा है, राइट। तो अब यहां पे आप जो भी, यहां से जो भी ट्रैफिक जाएगा वो रिडायरेक्ट किधर होएगा, वो रिडायरेक्ट होएगा पोर्ट 80 पे। किसके पोर्ट 80 पे, इस पोर्ट के, राइट। चलो एंड देखो आउटपुट, राइट, अपन को एंजिनिक्स का पेज मिल गया, राइट। चलो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड अभी मैं जाता हूँ वर्कर वन पे, एंड वर्कर वन, तो मैं आ गया वर्कर वन पे एंड वर्कर वन पे मैं ये कमांड चलाता हूँ एंड सी। अब मैं जाता हूँ वर्कर टू पे एंड यहाँ पे मैं सेम कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है। मैं वापस मास्टर पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे चलाता हूँ क्यूब सी टी एल गेट एस वी सी, मीन्स ये जो सर्विस है ये क्या कर रही है, इस आईपी पे यदि कोई भी ट्रैफिक आया तो उसको रिडायरेक्ट कर रही है पोर्ट थर्ड नंबर का, जो पोर्ट मतलब पोर्ट का जो नेम थर्ड पोर्ट है ना उस पर। चलो मैं आपको और बता देता हूँ, आप यहाँ पे देखो, राइट, आपने ये एक सर्विस बनाई है, इस सर्विस के इस आईपी पे यदि कोई भी रिक्वेस्ट आई तो वो पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर देगी, राइट। चलो ये तो हो गया क्लस्टर आईपी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात यह आती है कि आप क्लस्टर के अंदर सर्विस किया, ठीक है, बट बाहर से यदि उसको एक्सेस करना रहा तो वो आप कैसे करोगे, राइट। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है नोड पोर्ट, तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे अपन इस सर्विस को बाहर से या वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय।